ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल्स। इट इज इन चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 10। ओके, ये एनसीईआरटी का बुक में है, क्लास 10 का चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स। और इस लेसन में हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक कॉल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज, ये होता क्या है एक्चुअली। तो इसके लिए पहले हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक पॉलिनोमियल है और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग ये चीज़ को क्लास 8 और क्लास 9 में भी सॉल्व कर चुके हैं, तो ज़रा दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट जनरली फिर भी बेसिकली बता देता हूँ होता क्या है। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देर आर 3 टर्म्स हियर, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ये दोनों फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 8 ओनली, और उसके बाद हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, दैट इज 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, सो इट विल बी 2 × 2 × 2। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, इसी को हम लोग कुछ इस तरह से सेट करेंगे यहाँ पे मिडिल टर्म को, कि उसको ये जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ये 2 2 4 हो गया × 2, तो इसी को हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 8 होना चाहिए, जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से होता है, और ये दोनों को प्लस या फिर माइनस करेंगे तो ये मिडिल टर्म के बराबर होना चाहिए, मतलब माइनस 2x। नाउ जस्ट सी, ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें क्या हुआ, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, जस्ट सी ये माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 2 इज 2x, और चूंकि ये बड़ा है हम लोग इसका साइन को यहाँ लगाए, दैट मीन्स माइनस 2x, और द सेम नंबर इसी को मल्टीप्लाई करने से हमारा 8 होता है, जो कि ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को जोड़ने से भी होता है। ठीक है, नाउ विल प्रोसीड नेक्स्ट इज, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे कोई नंबर को, और यहाँ पे भी, तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग x को कॉमन लेते हैं जो दोनों में है, x तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 4। अब यहाँ पे इन दोनों में 2 है जिसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 4 8। नाउ ये दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन ले लिए, x माइनस 4 यहाँ निकल गया और इधर बच गया x प्लस 2, ये वाला x एंड दिस वन इज 2। नाउ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं पहले, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये माइनस 4 का साइड को चेंज करेंगे, विल टेक इट दैट साइड, इट विल बिकम प्लस, ये माइनस था इधर प्लस हो गया। नाउ द सेम थिंग विद दिस आल्सो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अभी ये 2 को भी साइड चेंज करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा माइनस 2। सो दीज टू आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोल देने से क्या होता है, ये जो x का जो वैल्यू निकाले हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है अगर हम इस पॉलिनोमियल में प्लेस करते हैं इसका वैल्यू को, तो उसका भी वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है। विल सी टू दैट।
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले x का वैल्यू को, दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड द नेक्स्ट वन इज x इज इक्वल टू -2. दीस आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स. तो जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल्स तो यही है, पर है क्या वो, उसको हम लोग चेक करते हैं. उसका वैल्यू को, x का वैल्यू को हम यहाँ पे डालेंगे. जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ x के बदले में 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 0 लगा देते हैं. इज इक्वल टू 4 फोर द 16 माइनस 8, 2 फोर द 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ इट विल बी 16 माइनस 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 प्लस 8 8 16 इज इक्वल टू 0. नाउ यू जस्ट सी, जब हम ये 4 x का वैल्यू जब हम यहाँ पे 4 डाले, उसका वैल्यू भी पॉलिनोमियल का वैल्यू भी 0 हो गया. दिस इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. वी कैन डू द सेम थिंग विद दिस आल्सो. दिस साइड x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. अभी हम x का वैल्यू माइनस 2 डालेंगे यहाँ पे. इट विल बी माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ इट विल बी माइनस माइनस प्लस 2 टू जब 4 माइनस माइनस प्लस 2 टू जब 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ जस्ट सी, यहाँ पे जब हम x का वैल्यू माइनस 2 डाले तो वो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू भी हो गया 0. इसका मतलब ये, इसीलिए हम लोग ये इसको 4 और माइनस 2 को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स. सो वी कैन राइट हियर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 2. सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.